हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन पवार वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज फिर मैं एक और नई वीडियो लेके आई हूँ जो रहेगी हमारी स्टिचिंग से रिलेटेड। हमने सूट रेडी किए हैं, अलग अलग जगह के कस्टमर के सूट हैं। मैं आपको साथ शेयर करूँगी आपके साथ, जो भी आपको डिज़ाइन भी पसंद आता है या फैब्रिक पसंद आता है आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेकर हमारे पास भेज सकते हैं। पेमेंट करने के लिए फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम कर सकते हैं। कॉल करके आप हमें डिज़ाइन भी पूछ सकते हैं, डिज़ाइन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। छोटी मोटी जो भी होगी हम आपको फ़ोन पे बता देंगे। बाकी अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है और कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आपके हम वो सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी तरह आप हमें अपना प्यार देते रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, आप देख सकते हैं ये द्वारका कस्टमर का सूट रहेगा। आप देख सकते हैं ये फैब्रिक आपको मिल जाएगा। अगर इस फैब्रिक की भी नीड हो, मसलिन का फैब्रिक है, आप हमसे ये फैब्रिक भी बाय कर सकते हैं। स्टिचिंग के साथ भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि कितना इसका लगेगा, तो आप हम आपको मैसेज करके या कॉल करके बता देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको कैसे रेडी किया है। इसका वी नेक रखा है और जिगजैग वाली लेस हमने कॉटन की लेस दी है इसके साथ। इस तरह से डबल करके हमने जिगजैग की लेस ऐड कर दी है, डबल करके, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लगती है। ये आ गया इसका बैक, बैक हमने बिल्कुल राउंड रखा है और डीप नेक रखा है। प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रहेगा, आप देख सकते हैं प्रॉपर फिनिशिंग मिलेगी। और ये आगे इसकी स्लीव्स, 3/4 इसकी स्लीव्स रहेंगी। स्लीव्स पे भी आप देख सकते हो डबल करके हमने जिगजैग की लेस लगाई है, बिल्कुल पतले वाली लेस है, काफ़ी अच्छी लगती है। और ये आगे इसके स्लीव्स, स्लीव्स पे भी आप देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक में हमने दोनों में इस तरह से डबल करके लेस लगा दी है। यहाँ से हमने हाफ इंच, सॉरी एक पैर का मार्जिन रखा है और एक एक पैर के मार्जिन पे फिर हमने बीच में भी इस तरह से छोड़ के लेस लगाई है। वाइट कलर की लेस लगाई है, वाइट कलर का इसमें इस तरह से जिगजैग है, तो हमने ये जिगजैग वाली लेस ही वाइट कलर में लगा दी है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसके साथ हमने जो रेडी की है वो आप देख सकते हैं, प्लाजो पैंट हमने इसके साथ रेडी की है इस तरह से। इस पे भी हमने सिंगल करके इस तरह से ये लेस ऐड कर दी है। आगे बेल्ट रहेगी, पीछे इसके इलास्टिक रहेगी और इस तरह से साइड में आपके पॉकेट मिलेगी। अगर इस तरह भी किसी को हमसे सूट रेडी कराना है या फिर फैब्रिक लेना है तो आप सूट भी रेडी करा सकते हैं और फैब्रिक भी हमसे बाय कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ जो दुपट्टा लेना चाहें तो दुपट्टा भी मिल जाएगा, अदरवाइज विदाउट दुपट्टे लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और आ गया आपका, आप देख सकते हैं ये हमारे कस्टमर का खुद का अपना, उन्होंने हमें कोरियर किया है, खुद का अपना फैब्रिक है। आप देख सकते हैं इसको भी, इसका ये नेक है, नेक पे इस तरह से लेस ऐड कर दी है, ये वी नेक रख दिया है यहाँ से। और बैक आप देख सकते हैं हमने राउंड रखी है और ये स्लीव्स आ गई, स्लीव्स पे भी इस तरह से लेस ऐड कर दी है, नेट वाली लेस रहेगी इस तरह से। आप भी कोई प्लेन फैब्रिक भी लेके इस तरह से अपना सूट रेडी करा सकते हैं लेसिस के साथ। और आप देख सकते हैं ये आ गया दामन, आ गया दामन में भी इस तरह से आपका डिज़ाइन हो जाएगा। और जो आपकी स्लिट्स आ गई हैं उस पर हमने कॉटन की इस तरह से फ्रंट फ्रंट में हमने लेस दे दी, लाइनिंग का पीस रहेगा ये। और बैक डॉट जरूर डालें फिटिंग के लिए, आप देख सकते हैं ये हमने बैक डॉट दी है, बैक डॉट हर सूट में जरूर डालें। इस तरह से लेसेस के साथ भी आप अपने सूट को रेडी करा सकते हैं। आप प्लेन फैब्रिक दे सकते हैं, उसके साथ कैसी लेस ऐड करनी है वो हम करके दे देंगे आपको। अगर किसी को प्लेन अपना भी फैब्रिक देना, अपना भी दे सकता है। इसके साथ हमने आप देख सकते हैं ये पैंट रेडी की है, पैंट पे भी इस तरह से हमने जो सेम स्लिट्स में लेस ऐड की है सेम इस पे भी हमने पैंट पे भी लेस ऐड कर दी है। ऑलराउंड इलास्टिक रखी है, फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है ऑलराउंड इलास्टिक में। और साइड इसके पॉकेट रहेगी, आप इसका भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इस तरह से भी प्लेन सूटों में आप लेसेस के साथ डिजाइन करा के अपने बनवा सकते हैं। एक और आ गया आपका, आप देख सकते हैं ब्लैक सूट रहेगा, ये भी उनका अपना ही सूट था, ये भी कस्टमर का जो हमने इसको रेडी किया है लेसेस के साथ हमने इसको रेडी किया है। आप देख सकते हैं इसके साथ ये नेकलाइन बनी हुई थी,
तो इसमें से हमने रेड कलर उठा के इस तरह से लेस ऐड कर दी है, पूरे नेक पे राउंड नेक रखा है, बैक से हमने राउंड रखा है बैक से भी, और रेड कलर की लेस हमने इस तरह से स्लीव पे भी ऐड कर दी है। ये इस तरह से हमने हाफ इंच छोड़ के ये लेस ऐड की है। इस पर आप देख सकते हैं ये भी, यहाँ पे भी हमने चौक पे भी कुछ इस तरह से अलग से रेडी की है। ये चौक पे इस तरह से हमने हाफ इंच ही रखी है। यहाँ पे हमने ऊपर से इस तरह से पूरा इसके ये चकोर में इस तरह से हमने ऐड कर दी है। हमने नीचे तक नहीं दी है पैनल तक, बिल्कुल यहीं तक हमने रखी है। अब आ जाइए इसके बैक पे, आप बैक पे भी देख सकते हैं, बैक पे भी हमने सेम उसी तरह से पूरा इसका इस तरह से हमने स्क्वायर में इसको ऐड किया है। नीचे दामन पर हमने बिल्कुल प्लेन रखा है। बैक डॉट जरूर दें, बैक डॉट, ताकि फिटिंग अच्छे से आ जाए। तो आप इसमें से कोई भी कलर इस तरह से उठा के अपने लेसिस के साथ या फिर पाइपिंग के साथ सूट रेडी कर सकते हैं। इसके साथ हमने रेडी की है पैंट, रेडी की है पैंट, हमने बिल्कुल सिंपल सोबर रखी है, क्योंकि जिनका ये सूट था उनको जो कुर्ती थी उसको ही पूरा हाईलाइट करना था, पैंट को बिल्कुल सिंपल रखना था। उन्होंने बोला कि ये किसी और के साथ भी यूज़ हो जाएगी, तो इसलिए ब्लैक पैंट थी, ब्लैक को उन्होंने एज इट इज़ रखा है, और कुर्ती को उन्होंने जो है रेड कलर की ड्रेसिस के साथ रेडी कराया है। आप इस तरह से फिरोजी के साथ भी हाईलाइट हो जाता है, लेकिन हमने इसको रेड के साथ हाईलाइट किया है। आप देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और आ गया आपका एक और सूट, हमने रेडी किया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने पान नेक रखा है, इसमें से आप फ्लावर्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें येलो कलर के और ग्रीन कलर के फ्लावर्स हैं, पिंक कलर के, तो हमने इसको येलो कलर से हाईलाइट किया है। येलो कलर की पान में इस तरह से हमने पाइपिंग लगा दी है, राउंड नेक रखा है पीछे का, इस तरह से साइड डॉट दी है, क्योंकि फिटिंग अच्छी आती है साइड डॉट में। मैंने पहले भी बताया है जिसकी चेस्ट हैवी होती है वो साइड डॉट दें, ताकि फिटिंग अच्छी से आ जाए। जो यहाँ पे खुला खुला रहता है वो नहीं रहेगा, काफ़ी अच्छा आपकी फिटिंग आएगी। ये स्लीट्स देख सकते हैं, स्लीट्स में इस तरह से हमने घूम करके पाइपिंग लगा दी है, इसी तरह हमने नीचे भी यहाँ पर पाइपिंग दे दी है येल्लो कलर में ही, फ्रंट एंड बैक में दोनों में घूम करके हमने पाइपिंग लगाई है। 3/4 हमने स्लीव्स रखी हैं, स्लीव्स पर भी हमने घूम करके इस तरह से पाइपिंग दे दी। बैक डॉट जरूर दें, इसमें भी हमने बैक डॉट दी है, हर सूट में बैक डॉट देते हैं मोस्टली। जो कस्टमर बोल देते हैं कि बैक डॉट नहीं चाहिए, उनका नहीं, बाकी मोस्टली सबकी बैक डॉट जरूर डलती है, क्योंकि बैक से फिटिंग अच्छी आती है। आप ये देख सकते हैं, इसके साथ हमने लुधियाना सलवार रेडी की है, येलो कलर की हमने इस पर लेस ऐड कर दी है इस तरह से, क्योंकि हमने जो सूट है उस पर हमने पाइपिंग ऐड की है, इस पर हमने यहाँ पर लेस ऐड कर दी। आप ये देख सकते हैं, फ्रंट में हमने इस तरह से बेल्ट रखी है, बैक में हमने इलास्टिक रखी है, साइड पॉकेट रखी है। बाकी उसकी जो लुधियाना सलवार की है, हमने स्टिचिंग की वीडियो बना रखी है। किसी को भी अगर लुधियाना सलवार सीखनी है, किसी को भी कटिंग सीखनी है या फिर स्टिचिंग सीखनी है, हमने दोनों की बाकायदा वीडियो डाली है, अगर किसी को देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। येलो के साथ हाईलाइट करके आप भी देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सूट लग रहा है। आप इस तरह से अपने सूट को, लाइट सूट को डार्क कलर के साथ हाईलाइट कर सकते हैं। एक और सूट आ गया आपका, ये भी कस्टमर का हमारा अपना ही था, ये यहीं के कस्टमर हैं, उनका अपना ही सूट है। आप देख सकते हैं, जयपुरी चोरों का सूट है, इसको जो हमने रेडी किया है आप देख सकते हैं, लाइनिंग का हमने इसको रखा है, चिरौन वाला सूट है इसकी, ये नीचे बॉर्डर पूरा लगा हुआ था एज इट इज था, तो फिर ये हमने ऐसे कैसे रखा है, बीच में इस तरह से ट्रांजी भी है, आप देख सकते हैं। इसकी जो घूम करके हमने पाइपिंग दी है पिंक कलर की दी है, क्योंकि इसका जो दुपट्टा है, दुपट्टे में आप ये नेक पे देख सकते हो, दुपट्टे में इस तरह से येलो पिंक और अलग अलग तरीके से इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, तो हमने पिंक कलर की पाइपिंग के साथ इसको घूम करके रेडी किया है, काफ़ी फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हैं। और राउंड नेक भी आप देख सकते हैं, इसमें फिटिंग बड़ी अच्छी आती है राउंड नेक में, आप इसकी फिटिंग भी देख सकते हो, फिनिशिंग भी देख सकते हो। घूम करके हमने पाइपिंग दी है और साइड डॉट दी है हमने, और जो साइड में इसमें आप देख सकते हैं नीचे दामन में भी थी, वो स्लीव्स में हमने ये ऐड कर दी है लेस,
इस तरह से। इसमें स्लीव्स की भी दी हुई थी और दामन की भी, तो दोनों में से निकाल के हमने कुछ पैंट में यूज़ की है, कुछ इसकी स्लीव्स में। ये आप देख सकते हो इस तरह से पाकिस्तानी स्लीव्स हैं, इसमें पाकिस्तानी स्लीव्स में हमने ये लेस ऐड की है। बैक डॉट जरूर दें, आप देख सकते हैं ये हमने बैक डॉट दी है, हर सूट में बैक डॉट जरूर देते हैं ताकि फिटिंग अच्छे से आए। अब आप देख सकते हैं इसके साथ लाइनिंग की ही पैंट रहेगी, जो पैंट है हमने इस तरह से रेडी की है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ट्रांजी करके पैंट में भी लेस को ऐड कर दिया है इस तरह से। नीचे फिर हमने सेम फैब्रिक एक इंच का हमने फिर फैब्रिक लगा दिया है, लाइनिंग वाला इसको हमने रखा है, लाइनिंग के साथ है तो फिर लाइनिंग हमने जो अटैच की है आप देख सकते हैं बस यहीं तक अटैच की है, उसके बाद हमने इसको विदाउट लाइनिंग रखा है नीचे से। तो ट्रांजी देखने के लिए आप यहीं तक ही इसको जो लाइनिंग है उसको ऐड करें, आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने ऐड किया, उसके बाद कोई लाइनिंग नहीं है, वो ट्रांजी दिखेगा। और ये साइड इसकी पॉकेट आ गई, साइड में पॉकेट रहेगी और राइट साइड में हमेशा पॉकेट होती है। कस्टमर काफ़ी हमारे पास मैसेज आए थे कि जो पॉकेट लगाएं किधर लगाएं, तो वो राइट साइड में ही रखे पॉकेट। ऑल राउंड लास्टिक रहेगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से लेसिस के साथ, नेट की लेस के साथ या ऑर्गेन्जा की लेस के साथ अपना सूट आप रेडी करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो। आप सबको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, सबको पसंद आई है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह आप हमें अपना प्यार देते रहें। स्टिचिंग से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है हम जरूर पूरा करेंगे, और टाइम जरूर लगेगा अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा है किसी चीज़ की, आपको प्रॉपर वीडियो बनवानी है बड़ी हो जाती है, तो फिर काफ़ी हमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि हमारा भी अपना काम होता है, आपके लिए फिर भी हम टाइम निकालते हैं, आपकी वीडियो जरूर बना के देंगे अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है। तो इसी तरह आप हमें अपना प्यार देते रहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।